हमारे इस चैनल मैथिली गंगा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। धर्मराज बाबा ज्योति बाबा के दुश्मन बन के यगवा के ओकरा बहिन कन जा रहले यो आये पान जीत के धर्मराज बाबा अरे जाई छे पूरा आवे हो धर्मराज बाबा धर्मराज बाबा अरे जाई छत पाम पाए पूरा आवे हो छिटकल पंपापुर बाबा ज्योति के बहिन के द्वार पर चल गल आए घारी आई हो आ डांड अलग में हो धर्मराज बाबा आ गए दूर।
देवराज बाबा जहिना बादल में बिजली छिटके वहिना बाट में गोसाई छिटकल चल जा रहा घड़ी डान प्लग में बिजली के छिटक में बाबा ज्योति के बहिन जय मैत के द्वार पर गोसाई चल गेले पोथी पुराण लेके जय मैत बहिन के हो पुकार जय मैत जय मैत नाम धाके धर्मराज बाबा ज्योति के बहिन के द्वार पर पुकार करे छे कहे छे हे मलकिनी और जे बाबा ज्योति के बहिन के दू चार मास साल में बीतले रहे छह महीना पहुँच के बात बताबे लागले जे ये डीह पड़ी सब कारखाना इतना बीतले आसे जो जे मैत बहिन जो सुनलक घर से हो बाहर धर्मराज बाबा जे पंडित के रूप धारण करे रहे बाबा ज्योति के बहिन जय मैत के घर से बाहर भाग के कल जोड़ के ठहरा कहे छे यो पंडित जी कहल के पंडित जी यहाँ लागे छी बहुत वर्तमान जाने छे कहल के हो जजमानी हम खूब जानकारी छे कहल के हमरा डीह पर जे 6 महीना में बीतले साल में बीतले से यहाँ बता रहे कहल के हमर यह कारबार छे कहल के डीहो आर गुने छे कहल के खूब कहल के हाथ के देखे छे कहल के वह तो हमर कारोबार छे बाबा ज्योति के बहिन हाथ पसार के आ धर्मराज के आगा में कहे छे हे यो पंडित जी अरे जयमैत के बहन कहे छे हे पंडित जी हमरा भाग में देखियो अपनी की सब लिखल छे हमरा हाथ के रेखा बता दिए कौन यश गुण हमरा भाग में लिखल ये धर्मराज भगवान जयमैत के हाथ देखिए कहे छे हे जयमानी हाथ के रेखा तोर बहा सुंदर या हाथ के रेखा भाग तोर बढ़िया यो आगे पोथी आगे पंडित के रूप में कहे छे हे जनमानी भाग दे तोहर बहुत तेज छ नाग के डीह छ भंडार खुला छ धन पूत के डीह पर कमी नहीं रहता लेकिन पोथी में बड़ा यश गुण देखे छे जे मैं बहन के आँख से आंसू बहैया कहे छे यो पंडित जी हमरा पोथी में कौन यश गुण भए गेले यो आये का कहियो यो जयमैत बहन कहे छे पंडित जी हमरा पोथी के शब्द सुना दियो बाबा ज्योति के बहन के सुनबे छे कहे छे ये जजमानी पोथी में तोरा भाग में बड़ा यशपुन देखे छियो आया जे तोर भैया जे धर्मराज के भागदार हो जकरा मुंह से आय पानी निकले रहो या धर्मराज ओकरा शरीर के तोड़ दलको कुश्ती बना दल को कोढ़िया के रूप में बाबा ज्योति है तोरा द्वार पर आब रे भैया के धर्म
सब कुछ तो बढ़िया छ, लेकिन तोरा भाई के रूप धा के कोढ़िया आवे छ तोरा द्वार पर, और वह कोढ़िया के शरीर से खून पी तोरा द्वार पर पमार चलता, ओकरा शरीर से पिल्लू निकल निकल के तोरा घर यगन में चल जेतो, आ तोर बाल बच्चा जो द्वार पर अतो नंगहन कर देत कोढ़िया बीमारी लसंगिया है यो, तोरा बाल बच्चा के कुशी के लसंग हे लै धर्मराज भगवान, धर्मराज भगवान के शब्द जयमैत बहन बाबा ज्योति के सुन के कहल के पंडित जी रे ये कोढ़िया बीमारी से छुटकारा हमरा कनाहू दिया दियो, जो एक और कोई उपाय छे ते कुष्ठी बीमारी से बचा दियो, बचा दियो मुश्किल के सो सो उपाय छे, अगर यदि तू चाहे छे कोढ़िया से छुटकारा ले ले तो अपना तू निकल जाइ हो, अब भैया जो तोरे तो द्वार पर तूने बुझो जे धर्मराज के भक्ता छे, रे जाइ समय में भैया के गोसाई रहते समय में तोरा धन भीत हाथी हसार नौकर चाकर घोड़ा घोड़सार बना दे, आय भैया के दिन हे दूर दिन कहल के जजमानी, अगर कोई महात्मा कोई बाबा जी आइयो कल संजुग त्रोता द्वापते कलजुग में जा केकरो द्वार पर जाए छे, अगर देखे छे बकरी के भेनारी अगर साकट मुट्ठी के देखे छे तो जल नहीं पिए नहीं पिए छे, कहल के हे जजमानी भैया धर्मराज के भक्ता छो एकरा लिए चौकी खटिया पर आसन दबो तोरा बाल बच्चा के लसेंग लग गए, लेकिन वही भैल तू की करियो टूटल तराई लेके घोड़ा के घोड़सार में लिट्टी पर बिछौना क्या दी, तोर भैया धर्मराज के भक्ता छे देख भाई के मन नहीं भाग तो तोरा द्वार से जल्दी हे भाई, अगर यदि भैया तोहर भोजन करवावे के मन छ थारी लोटा में यदि खाइल दबो तो थारी के फेंके पड़त, जो तोर भैया धर्मराज के भक्ता रह तोरा द्वार पर आवे रह भैया खातिर सोना के सिंहासन लगा दे रहो, और फूल सजा के भैया के ओय पर बैठा के चरणामृत उतारे, आज भैया के कोढ़िया बीमारी भलो थारी बर्तन में भैया के भोजन नहीं दियो, अरे खा पाए धर्मराज भगवान कहल के पंडित के रूप में जजमानी, अगर खप्पा में घर सरल का घोर सरल का सतुआ और फुची में जल लेके भैया के दियो, हाथ पैर सरल छे पिल्लू निकले छे खून पीज के रेत बह रहले यो, और की एक मुठी कुश ला के नौरी के दियो जे तोरा से मुलाकात करे ले चाहत हो, कहियो जे हे हो कोढ़िया बहन तोहर कहल गया प्रेम से भोजन पंपापुर में खेले, और बहन के यार है जे कुश एक मुठी दल का एक और तू डोरी बांध दो, अरे राती ये आसाय नहीं आ होई छो
कुश के मुठी दियो कहियो हे हो कढ़िया प्रेम से खप्पा में भोजन क्या ले और तू ये घोड़ा के लिट्टी पर बैठो और रात में तोरा बहन के परसौता के दर्द भलो यो बहन के ऑर्डर छ जे डोरी बांट के आ परसौता घर में सटी हो लगा ज्योति बाबा के बहन के धर्मराज और दस्या दल के भरमा के अपना उनका द्वार पर सोलो पीत भ गेले वही समय में बाबा ज्योति टुघरल कानल खिजल बहन के द्वार पर हो चे आये झाखा ले हो आटगले नहीं तपासिया अरे या भैया बहिनी आकेरा आवे हो दुआ पुकार क्या रहले यो आया बाबा ज्योति के बहन जो सुन लगे नौरी सबका हाल दल के गे नौरी आज ये पंडित जी कहल के हमरा हाथ हाथ तुल्या गेलिए से नहीं ये खप्पा में के घोर सतुआ ले ले आ मुट्ठी भर कुश ले ले भैया के जाके घोड़सार में लिट्टी पर बिछौना क्या दो कई हो जे हो भैया बहन कहल का प्रेम से भोजन क्या ले कहने यार गांव में नहीं छो बहन के रात से परसौता के दर्द भै गल यो डोरी बांट के परसौता घर में टाट फरक लगा दो नौरी भैया कानल खिजल खप्पा में भोजन ले छे मुठी से ला ललके बुचा भैल जल लाके नौरी सब दरबार मारने चल गलैयो कहे छै हे हो कोढ़िया बहिन कहल क ए घोड़सार में यहाँ संध्या के बैठिया भूख लागत त बाबा जा घर से घोर सतुआ खा ले और बहिन तोरा से मुलाकात नहीं करता बहिन के रात से परसौता के दर्द भ रहल यो बहने यार गांव में नहीं छो भोजन क्या के डोरी कहल का बांट देले नौरी के सब सुन के बाबा ज्योति के आंख से आंसू बहियो